लड़ रहे हैं, इस तत्व का व्यापक विकास होना चाहिए। मैं इस सम्मेलन में की गई मांगों का समर्थन करता हूं। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि वह उन्हें पूरा करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 7वां आम सम्मेलन यहां तालक कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। उद्घाटन में भाषण के रूप में वे बोल रहे थे। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव ताईवाड़े, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, माननीय बालू धानुरकर, विधायक परिणय फुके, विधायक अधिवक्ता अभिजीत वंजारी, पूर्व मंत्री महादेव चानकर, पी ईश्वरिया, सुशीला मरोले, एडवोकेट फिरदौस मिर्जा आदि मौजूद थे। फेडरेशन को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अध्यक्षता अशोक जीवतोड़े ने की। ओबीसी की जातिवार गणना, ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण की बहाली, केंद्र में ओबीसी मंत्रालय की स्थापना, आरक्षण पर 50% की सीमा को रद्द करने, क्रीम लेयर में असंवैधानिक प्रावधानों को रद्द करने जैसी मांगे इस समय की गई। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।